नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ आपका और आपके साथ है MS परदेसी। हम बनमनखी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आज दोपहरी में देखिए आप, ये पूरा का पूरा सफाई हो रही है, रंग पेंट रंग रोगन हो रही है, कहीं झाड़ू मरवाया जा रहा है और कई तरह का चीज़ आज नया देखने को मिला। जब हमको पता चला कि आज कुछ नया क्यों हो रहा है, तो हमने पता किया तो पता चला कि समस्तीपुर जोन के DRM साहब यहाँ पधार रहे हैं। उसको दिखाने के लिए ये सारा सज्जा जो किया जा रहा है, तामझाम जो किया जा रहा है, वो आज हो रही है। लेकिन सवाल बनता है कि बनमनखी स्टेशन पर कई तरह की बात, कई तरह का लोग जान रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर जो नहीं होना है वो हो रही है। जैसे उदाहरण के लिए हम आपको बता दें कि बगल में एक बाज़ार है, ये ग्राउंड है रेलवे स्टेशन का, ये बाज़ार में आज एक भी दुकान नहीं देखने को मिलेगा। आपको ये वीडियो देख लीजिए आप कि किस तरीके से वो बाज़ार है। उधर से आप देख सकते हैं किस तरीके से बाज़ार है और वहाँ पर एक भी दुकान आपको नज़र नहीं आएगी। और आज चूँकि DRM साहब आने वाले हैं इसलिए दुकान नहीं है, लेकिन रोज़ जब DRM साहब निकल जाएंगे तो 4 बजे से दुकान एकदम चलेगा और सब दिन चलता रहेगा। और उसका उघाई भी होता है, बोले तो उसका जो कलेक्शन होता है रुपया का वो भी होता है। आप सभी आदमी जान रहे हैं वो पैसवा जाता कहाँ है, इसका आता पता नहीं है। अब सब आदमी से हम जानने का कोशिश करते हैं, खास करके DRM साहब से हम पूछना चाहेंगे कि आज ये सब मैटर पे कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन उससे पहले आइए यहाँ के स्थानीय समाज सेवी से हम बात करते हैं इस मुद्दे पर कि क्या क्या यहाँ पर होती है। आप बताइए, ये बगल में जो दुकान वगैरह सब दिन लगी हुई होती है, आप देखते हैं। सबसे पहले तो आपका ये बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस तरह की मुद्दा उठाए हैं जो जनहित से जुड़ा हुआ है। जी, आज सुनने में आया कि DRM साहब आ रहे हैं। जी, उनके आने की सूचना जैसे मिली है तो रेलवे विभाग देखते हैं बड़ी हरकत में आ गई है। स्टेशन देख लीजिए, पूरा साफ सफाई किया हुआ है, क्लीन है। हाँ, यहाँ जो आसपास में बगल में दुकान लगते थे हजारों हजारों की संख्या में, जी, जी। वो दुकान आज नहीं देख रहे। बड़ी सोच हो रही है कि वो दुकान लगते थे लेकिन आज क्यों नहीं है। नहीं, यहाँ से आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वो दुकान अवैध लगाया जा रहा था और उससे उघाई किया जा रहा था। आज ये स्पष्ट हो गया है कि DRM साहब वो दुकान नहीं है, इसका मतलब है अवैध उघाई हो रही है, जिससे सरकार के राजस्व में बहुत ज्यादा क्षति हो रही थी। इसका मतलब यहाँ घुसपैठिए सब बैठे हुए हैं जो सरकार के लोग सरकार के साथ ही धोखा कर रहे हैं। जी 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 जी, जो निंदनीय है। जी, आप एक चीज और बताइए हमको, ये बगल में मार्केट के सटे हुए जमीन, जो ये सब रेलवे का जमीन है, यहाँ पर लगभग हमको जब से होश हुआ है तो दुकान वहाँ लग रहा है और दुकान पूरा का पूरा लग रहा है, आज उधर भी दुकान नहीं है। तो ये जितने हजारों की संख्या में दुकान यहाँ लगती है तो मैं परमाणु ये सारे लोग जान रहे हैं। जी, लेकिन आज देखते हैं दुकान नहीं है क्योंकि DRM साहब जो आ रहे हैं तो ये जो पैसा अवैध लेते हैं इनका तो हक्का बक्का गोल है। आज सब दुकानदार को किसी तरह कह सुन के वो हटा दिया होगा कि भाई साहब आज सर मेरा ऊपर वाले पूरा क्लीन है एकदम। हाँ, तो ऊपर वाले मेरे आ रहे हैं आज मुझे नहीं बख्शे, इसीलिए पैर हाथ पकड़ के उसको हटाया होगा, पैर हाथ पकड़, क्योंकि वो भी पैसा देता है। वो तो पैसा दे रहा, लेकिन भले ही सरकार को राजस्व नहीं जाता हो लेकिन दुकानदार तो पैसा देता है। ये तो स्पष्ट है कि पैसा देता है, ऐसा खाता है, लेकिन आज उसका आकार है तो कैसे होंगे। लेकिन आज की साफ सफाई से बड़ी खुशी हो रही है, अगर ऐसी साफ सफाई ऐसी निगरानी हो दिन रहे तो लगता है बर्मन की स्वच्छ होने में देर नहीं लगेगी। ये तो दिखावे के लगता है कि आज हमको लगता है DRM साहब जाने के बाद फिर ये कचरा ही कचरा है, कोई देखने वाले नहीं होंगे। अभी तो देखते एक पत्ता अगर गिर जाता है गलती से तो तुरंत झाड़ू तुरंत उठा के पॉकेट में ले लेता है पॉकेट में। अच्छा, ये सब तो होता ही रहेगा। आप ये बताइए कि आज बनमनखी में DRM साहब आ रहे हैं तो क्या उद्देश्य, आपको कुछ पता है? देखिए, ऐसा इस तरह की पहले तो ये सब खबर नहीं देते हैं आम पब्लिक को, क्योंकि जानते हैं कि आम पब्लिक में जागरूकता आ जाएगी तो मेरी ही पोल खुल जाएगी। जबकि रेलवे विभाग को पहले के एक दिन पहले देना चाहिए कि पेपर में छपाना चाहिए, डिजिटल मीडिया सोशल साइट में देना चाहिए, लेकिन इस तरह की कोई जानकारी अप्राप्त है। लेकिन हम लोग को इस तरह की जानकारी मिली है कि DRM साहब आ रहे हैं, वो अमृत महोत्सव के तरह से जो स्टेशन का नाम आया था उसी के साथ जाँच में आ रहे हैं। तो हम लोग सोचे कि चलिए हम लोग भी DRM साहब से मिलेंगे, कुछ अपना पक्ष रखेंगे। जिसमें सबसे पहले ये ऊपरी पुल जो आधी अधूरी पड़ी हुई है, जिससे आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है। दूसरा, गाड़ी जो है बहुत कम चल रही है, बिहारीगंज वाले गाड़ी को पूर्णिया तक ले जाना चाहिए और पूर्णिया से तब सहरसा ले जाना चाहिए ताकि आम लोगों को सुविधा होती है। और जनहित,
इंटर सिटी को जो वहाँ रोक के रखते हैं वहाँ यहाँ लगाया जाए, तो यो पीट का जो है पुराना वाला जो था यो मीटर गेज वाला के इस बड़ी लेन में कन्वर्ट करके यहाँ गाड़ी को लगाया जाना चाहिए, जो ऐसा नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर एक वॉशिंग शेड का भी जरूरत था, अब पहले पुराने काल में वहाँ पर वॉशिंग भी किया जाता था गोल गोल घुमा करके, अभी उसका कोई आता पता नहीं है, सड़क से जुड़ गया। लेकिन वही ना है कि जब आदमी देश बढ़ रहा है तो सब कुछ बढ़ाना चाहिए, यहाँ तो घट गया है। पहले वॉशिंग पीट था, अब वो गायब हो गया, जबकि और बढ़ाना चाहिए था वो गायब हो गया। ये गलत है, इसका मैं विरोध करता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, नई पीट लगनी चाहिए और बड़ा साइड का। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम रविंद्र कुमार जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप सभी चीज को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, और खास करके बनवनखी वासी को पूरा पता है कि बनवनखी जंक्शन रेलवे स्टेशन का हाल क्या है। बनवनखी से MS परदेशी। सरफेस सर्कुलेटिंग एरिया जो भी, और टिकटिंग एरिया को भी इम्प्रूवमेंट करें, जो भी बेस्ट पॉसिबल हम अपग्रेडेशन कर सकते हैं, जो भी अपेक्षाएं रहती हैं यात्रियों से, और स्पेशली जैसे टॉयलेट एरिया है इसका, और इसका जो ब्यूटिफिकेशन है उसको बढ़ाएं, तो जो भी हमसे अपेक्षाएं रहती हैं यात्रियों की उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।